नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। फिर से 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। महाराष्ट्र की लोनार झील के पानी का रंग रातों रात बदलकर गुलाबी हो गया है, जिससे लोग आश्चर्य में पड़ गए। वही विशेषज्ञ इसकी वजह लवणता और जलाशय में शैवाल की मौजूदगी को कारण मान रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोंकण में चक्रवात में हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद कहा कि प्रदेश सरकार ने जो सहायता कार्य चलाया है वह नाकाफी है। किसानों को नुकसान का कम से कम 75% सरकार अनुदान मुहैया कराए। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इरफान नाम की लड़की का तेज दिमाग की दाद दी जा रही है। वह चंद सेकंड में ही प्रश्नों का जवाब हल कर देता है। बताओ, कोई बंदा अगर 12 साल का है तो कितने दिन का हुआ? 4,380। अच्छा, और कोई आदमी मान के चलो 65 साल का है? 23,725। और 28 28 साल का? 10,220। अच्छा, और 13 साल का? 4,745। ये आप कैसे करते हो? दिमाग से देख लो। मतलब अपने आप आता है या? अपने आप ही। अपने आप आ जाता है। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान, कितनी उम्र है आपकी? 20। 20 साल के हो। अच्छा, कहाँ रहते हो? जंगल में, जिसके पीछे तो रहता हूँ। मतलब दूधू में ही? हाँ, सका मोहल्ले में, इसके पीछे ही, मेरे पीछे हेलो। और अगर कोई बंदा 15 साल का है तो कितने घंटे जिया? 15 साल का है? 15 साल का कोई है तो 99,360 घंटे तो एक जोड़ो, और 35,040 घंटे एक जोड़ो। कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 95,130, 131, 131,240 घंटे। 131,240 घंटे 15 साल वाला। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? कहाँ नहीं पढ़ाई की ऐसे? पढ़े नहीं हो? स्कूल जाके शक्ल नहीं लगा दी भैया, बोलो। स्कूल शक्ल नहीं देगी? ये है मिस्टर इरफान, वी कैन कॉल हिम अ सुपर ह्यूमन, बिकॉज ये कोई भी आप एज नंबर एज बोलोगे कि ये कितने साल का है, ही विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में टिड्डी दल का कहर जारी है। अभी तक टिड्डी आगरा, ललितपुर और झांसी में डेरा जमाई हुई थी। प्रशासन की टीम ने टिड्डी पर ऑपरेशन से उसे दो टुकड़ियों में बांट दिया है, जिससे इनके प्रकोप को कम किया जा सके। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार की नाक के नीचे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले हुए और प्रदेश सरकार नींद में सोई हुई रही। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ विफल ही नहीं, पूरी तरह से असहाय है। हमारा आशय है अचानक सामने आए फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामलों से यूपी शासन और मुख्यमंत्री के सारे दावों के पर कच्चे उड़ा देता है ये कारनामे, और ये भी साबित करता है कि कैसे किसी निर्दोष को बगैर जांच शासन अपराधी घोषित कर देता है। पूर्व सांसद एवं राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह गैर कांग्रेसी विधायकों को भयभीत कर निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रही है। राज्यसभा के जो चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, उसको राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस दोनों मिलकर के प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। वे अनुचित रूप से SED में रिपोर्ट लिखा करके जो गैर कांग्रेसी विधायक हैं उनको डराने का प्रयास कर रही है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है और संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का जवान जहां सियाचिन में तैनात है, वहीं उसके घर में चोरी हो गई, जिसकी FIR दर्ज करने में ही पुलिस इनकार कर रही है। वहीं जवान के पिता को साजिश के तहत जेल में 4 दिनों तक बंद रखा गया। मैं अनपरा थाना रेणु सागर चौकी से 2 साल से परेशान हूं, इस वजह से मजबूरी में वीडियो बना रहा हूं। 2 साल पहले मैं जब घर बनवाने की कोशिश किया तो रेणु सागर चौकी इंचार्ज राजेश मौर्याने ने 25,000 रुपये का डिमांड किया। तब मेरे पापा ने सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी ये लोग परेशान करते रहे। मेरे घर में सिपाही गोरखनाथ यादव रात को 3 बार छापा मारे हैं बिना वजह के। जो जवान माइनर डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन बॉर्डर पे रात को ड्यूटी दे रहा है, उसके माँ बाप खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। बिना वजह के मेरे पापा को सिपाही गोरखनाथ यादव ने अनपरा थाने में 4 दिन तक रखा। मेरी
FIR 5 मई तक नहीं लिखा गया तो मैंने SP साहब को सारी बातें बताई और एप्लीकेशन भेजा। 6 मई को मैंने IG को पास फोन किया, बात किया और एप्लीकेशन भेजा। 7 मई DGP को से बात किया और एप्लीकेशन भेजा, तब जाके FIR लिखा गया। FIR तो लिया गया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, बल्कि मेरे परिवार को और मेरे भाई को फंसाने की कोशिश रेणुसागर चौकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के विधायक होटल में शिफ्ट हुए हैं, आने वाले समय में भाजपा को पब्लिक खुद ही झटका देगी। इसलिए मैं समझता हूँ आज की मीटिंग हमारी बहुत फ्रूटफुल रही और सब एकजुट होकर गए हैं। आप जाइए आराम से, कल वापस आइए और कल वापस मिलेंगे। कल हमारे वो उम्मीदवार श्री वेणुगोपाल जी वो भी आएंगे और मिस्टर अविनाश पांडे भी आएंगे, ये दोनों सेक्रेटरी हैं, कल हम फिर बैठेंगे। और मिस्टर सुरजेवाला ने कहा है कि आप लोग जो बात करना चाहे हम बात भी करें, खुद चलते हैं, अच्छा बात। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर समय रहते समर्थन करती तो दिल्ली में इतने मरीज सामने नहीं आते। तो ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। नमस्कार।